अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे पास जो भी अपडेट्स है, पहले तो आप लोगों को बता दूँ रियांश की और एक म्यूज़िक एल्बम की बातें चल रही है। एंड जो रिक्वेस्ट है, जो हेलेश और फ्री नहीं थी, राहुल सुधीर फ्री नहीं थे, दोनों का क्या कन्फ्यूजन है, MKV लाइव म्यूज़िक वाले अभी तक म्यूज़िक एल्बम क्यों नहीं लाए, हेलेश फ्री हुई है या फिर नहीं, सारे अपडेट्स इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो या वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो गाइस, आप लोग बता दें जो हेलेश है वो फ्री हो चुके हैं। एंड आप लोग पता होगा जोधा एक सॉन्ग है, सॉरी जोधा शायद, मैंने उतना ठीक से सॉन्ग का नेम जो है देखा नहीं है। सो आप लोग बता दें मौनी रॉय एंड उन और एक एक्टर था, सो उसका नेम भी नहीं पता मुझको। सो मौनी रॉय का एक न्यूज है ना, म्यूज़िक एल्बम परसों ही शायद रिलीज हुआ है या फिर उसके अगले दिन। सो उसकी जो प्रोड्यूसर, मतलब जो जिसने सॉन्ग गाया है, उनका नेम है पूजा, फुल नेम नहीं पता, बट जो पूजा जी है, पूजा जी जिसे हमारे रियांश फैंस बहुत ही रिक्वेस्ट किए हैं, जो प्लीज़ मैम आप राहुल से एंड हेलेशा का म्यूज़िक एल्बम लाइए। सो पूजा जी जो है हमारे हेलेशा तक पहुँच चुके हैं, हेलेशा को उन्होंने ऑफर किया, पूछा। सो हेलेशा ने कहा कि जी हाँ, मैं कर लूँगी म्यूज़िक एल्बम। अब इतनी छोटी सी बात सामने निकल के आई, अब आप लोग पूछो कि म्यूज़िक एल्बम की शूटिंग कब स्टार्ट होगी, सॉन्ग क्या है, थीम क्या है सॉन्ग का। सो ऐसा कुछ भी मुझको नहीं पता है, जो भी अपडेट्स है मेरे पास वही मैं दूंगी और सारे अपडेट्स कंफर्म है। सो आप लोग बताए जो हेलेशा है उन्होंने हाँ बोल दिया। एंड MKV लाइव म्यूज़िक वाले कहा गए उनका म्यूज़िक एल्बम का क्या होगा, तो अभी उसका तो नहीं अपडेट आया। सो जैसे ही आएगा मैं आप लोग से मिलूँगा। एंड राहुल सुधीर अभी इट्स करेंट टाइम वो फ्री है एंड वो अभी दिल्ली पर है। उन्होंने आज एक पोस्ट के ज़रिए हमें बताया कि वो अभी न्यू दिल्ली पर फ़िलहाल है। एंड आप लोग बता दें जो राहुल सुधीर है वो उन तक हमारी पूजा जी जो है नहीं पहुँची है, हेलेशा तक पहुँची है। एंड पायल देव जी ने पूछा है कि जो हमारे हेलेशा है, हेलेशा के साथ और कोई एक्टर के साथ अगर हम लोग म्यूज़िक एल्बम देखना चाहते हैं, कोलाब करना चाहते हैं, सो उनको सजेस्ट करें नेम्स। हमारे रियांश फैंस राहुल सुधीर लिख रहे हैं, मैंने भी लिखा है, आप लोग भी जाकर उनको सजेस्ट करो। सो ये सारे अपडेट्स हैं, रियांश राहेल सारे अपडेट्स मैं आप लोग दे दिए। एंड जो राहुल सुधीर है, राहुल सुधीर का अगला प्रोजेक्ट, मतलब अगर आया तो रश्मि देसाई एंड देवतमा शाह के साथ आ सकता है। रश्मि देसाई या फिर देवतमा शाह, उन दोनों में से किसी एक हमारे राहुल सुधीर के साथ एक प्रोजेक्ट पे दिखेंगे। सो ये सारे अपडेट्स थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन सब्सक्राइब दिस चैनल। सो गाइस, मैं कुछ दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम वगैरह बहुत सारे पढ़ाई के प्रॉब्लम्स थे। सो इस वजह से यही सारे रीजन्स थे मेरे, जिस वजह से मैंने कुछ दिन वीडियोस नहीं डालते हैं। एंड कुछ अपडेट्स भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं आ रहे थे। एंड रियांश का जो म्यूज़िक एल्बम है ना, म्यूज़िक एल्बम की बातें इस वजह से रुकी हुई थी क्योंकि जो हेलेशा है वो फ्री नहीं थी, इस वजह से ही रुकी हुई थी। एंड अभी बहुत सारे अपडेट्स तो आ रहे हैं, अब सब तो कंफर्म नहीं है एंड सब जो है फेक भी नहीं है। सो जो जो अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ अगले अगले एक एक वीडियो पर ही शेयर करती जाऊँगी, मतलब कि एक वीक पे दो तीन वीडियो पर मैं आप लोगों को सारे अपडेट्स दे दूँगी। मेरे पास बहुत सारे अपडेट्स हो गए थे, इस वजह से आज एक वीडियो डाल के आप लोगों के साथ सारे अपडेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, क्लियर कर लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करें, दा मुंबई अच्छी वजह से अवार्ड पर रियांश को अच्छे खासे वोट जा रहे हैं, तो आप लोग वोट करते रहो। मैं तो करती हूँ, मतलब टाइम नहीं मिलता है मुझको क्योंकि सारे दिन पढ़ाई एंड एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम भी चल रहा है मेरा। सो आज सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लिया जाए, आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो है आप लोगों को अपडेट दे दिया जाए। सो ये सारे अपडेट्स थे, जल्द मिलूंगी किसी न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।